हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। बेटा, पिछली वीडियो में हमने दो वर्णों से बने उ की मात्रा के शब्दों को पढ़ा था और आज हम तीन वर्णों से बने बड़ी उ की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? स। स पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े उ की। तो ये क्या बना? सू। र ज क्या बना? सूरज। इसी तरीके से आपको सभी शब्दों को पढ़ना है। पू न म क्या बना? पूनम। पू र ब क्या बना? पूरब। चू र न क्या बना? चूरन। सू र त क्या बना? सूरत। क पू र क्या बना? कपूर। ख जू र क्या बना? खजूर। तू फा, फा में कौन सी मात्रा आई? आ की मात्रा। न क्या बना? तूफान, तूफान। त रा, रा में भी कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है? आ की। त राजू क्या बना? त राजू। ना खू न क्या बना? नाखून। सूचना क्या बना? सूचना। ज रु, देखो र में मात्रा कहाँ लगी हुई है? र के दाएं तरफ लगी हुई है। री, और र में ई की मात्रा, तो ये क्या बना? ज रु री, जरूरी। म यू र क्या बना? मयूर। का नू न क्या बना? कानून। पा ल तू क्या बना? पालतू। पू जी, ज में मात्रा कहाँ लगी हुई है? ज के आगे की तरफ लगी हुई है ना, तो ये कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा, तो क्या बना ये? जी। ता, त में आ की मात्रा, तो ये क्या बना? पू जी ता, पूजीता। जू, ज में कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो क्या बना ये? जू। ग नू जुगनू। खू, ख में भी कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। खू श बू क्या बना? खुशबू। स मू ह क्या बना? समूह। ब द बू क्या बना? बदबू। घू म ना क्या बना? घूमना। बेटा, अब आप सभी को इन शब्दों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।